पटियाला में फिर से जीत दर्ज कराने के लिए धर्मवीर गांधी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। पिछली बार वो आपके टिकट पर पटियाला के सांसद बने थे, लेकिन केजरीवाल की नीति और नियत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कुछ दिनों बाद ही आपको छोड़ दिया था। इस बार भी परिणीति कौर जी चुनौती के तौर पर आपके सामने खड़ी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, मेरा काम बोलेगा, मेरी ईमानदारी, मेरी शराफत बोलेगी। पटियाला में आप और अकाली दल भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन यहाँ मुख्य मुकाबला पिछली बार की तरह धर्मवीर गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर के बीच ही माना जा रहा है। पिछले चुनाव में परनीत कौर दूसरे नंबर पर रही थी। किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच में अभी जा रहे हैं? जो मुद्दे हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो के दिए हैं, न्याय का प्रोग्राम, अलग बजट किसानों के लिए, इंटरेस्ट फ्री लोन बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये जमीन के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनके साथ हम लेके आ रहे हैं। जो गांधी जी है उनका कहना है कि अगर किसानी घाटे से बाहर निकलना है तो बुक्की और अफीम की खेती यहाँ पर होनी चाहिए और 82% यहाँ की जनता खेती पर निर्भर है, आप कितना जायज मांगते हैं? देखो, गांधी जी ने 5 साल में बिल ले आना था, अब इस टाइम आकर मत कहें। ये जो काम है, एक सेंट्रल पॉलिसी बनती है, हम खिलाफ नहीं, पर जब पॉलिसी बनेगी तब लगेगा। पर अकाली को कहाँ देखते हैं आप इस दौड़ में, जो लड़ाई इस और लोकसभा? तो जो भी लड़ाई लड़ता लड़ाई में होता है, लोगों ने फतवा देना होता है और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस को दें। पटियाला के चुनावी मुद्दों की बात करें तो चुनाव के दूसरे मुद्दों के साथ साथ यहाँ अफीम की खेती का मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। दरअसल पटियाला से पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार धर्मवीर गांधी अफीम की खेती को बढ़ावा देने की वकालत कर रहे हैं। पटियाला संसदीय क्षेत्र में 82% लोग किसानी पर निर्भर हैं। यहां के मौजूदा सांसद धर्मवीर गांधी इन लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच एक मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, वो है अफीम और बुक्की की खेती। उनका कहना है कि अगर अफीम और बुक्की की खेती की जाए तो किसानी घाटे से बाहर निकला जा सकता है, जिसका कांग्रेस ही नहीं बल्कि यहाँ के किसान भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं।